सच्चा सपूत। सूरज अस्त हो रहा था। पक्षी शोरगुल करते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गांव की चार औरतें पानी भरने के लिए घड़े लेकर गांव की कुएं पर जा पहुंची। पानी लेकर कुएं की पक्की जगत पर बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान बात बेटों की होने लगी। उनमें से सबसे अधिक उम्र की औरत ने अपने बेटे के विषय में बताना शुरू किया। वह बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली औरत से कहा, अरे मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोली, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। चौथी औरत चुपचाप बैठी तीनों की बातें सुन रही थी। उसने अपने बेटे की प्रशंसा में कुछ नहीं कहा। इस पर पहली औरत ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी औरत ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद वे चारों पानी के घड़े उठाए लौट रही थी तो कोई मधुर गीत गा रहा था। उसका मधुर स्वर चारों ओर बिखर रहा था। गीत सुनकर पहली औरत बोली, अरे सुनो, ये तो मेरा हीरा गा रहा है। कुछ देर में वह लड़का गीत गाता हुआ सामने से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इतने में दूसरी औरत का बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। वह बड़े गर्व से बोली, देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी शक्ति की बराबरी कौन कर सकता है? वह यह बात बता रही थी कि वह लड़का भी बिना ध्यान दिए अपनी मां के आगे से निकल गया। वे लोग कुछ आगे निकले तो तीसरी औरत का बेटा भी संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ उधर से निकला। तभी तीसरी औरत ने गदगद कंठ से कहा, देखो यही है मेरा लाल। कौन इसे बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? लेकिन उसका बेटा भी उसे देखे बिना आगे निकल गया। अभी वे थोड़ी दूर ही गई थी कि चौथी औरत का बेटा भी उधर से निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी औरत बोली, यही है मेरा लाल। वह उसके बारे में अभी बता ही रही थी कि उसका बेटा उसे देखकर रुक गया और बोला, लाओ मां, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूंगा। बहुत मना करने पर भी उसने अपनी मां के सिर से पानी का घड़ा उतारा और अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें चौथी औरत के बेटे को देखती रह गई। एक बूढ़ी स्त्री जो इन चारों औरतों के पीछे काफी देर से चल रही थी, उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा सपूत है।